वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अमित बंसल, लेक्चरर, विषय कोड 107 यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत रिवेट्स एंड रिवेटेड जॉइंट पर ई वीडियो लेक्चर का भाग दो लेकर आया हूँ। इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आप ये सुनिश्चित कर ले कि आपने इसी टॉपिक पर ई वीडियो लेक्चर का भाग एक अवश्य देख लिया होगा, जिसमें मैंने रिवेट्स और विभिन्न प्रकार की रिवेटेड जॉइंट्स को पहचानना समझाया था। किसी भी रिवेटेड जॉइंट्स की रचना में सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है रिवेट्स की रचना करना। तो रिवेटेड जॉइंट जानने से पहले, उनको खींचने से पहले, हम रिवेट कैसे खींची जाती है ये देख लेते हैं। तो आपके सामने एक स्नैप हेड रिवेट कैसे बनाई जाती है ये बताया गया है। सामान्यतः हमें रिवेट का व्यास डी ज्ञात रहता है, अन्यथा हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। डी यानी रिवेट का डायमीटर पता होने पर इस नाप की दो समानांतर रेखाएं खींच लेंगे और उस पर उनकी केंद्रीय रेखा मार्क कर देंगे। अब इस केंद्रीय रेखा पर एक बिंदु एक का चुनाव करेंगे और इसके बाएं और दाएं 0.8 डी दूरी जितने दो बिंदु 2 और 2 डैश मार्क कर देंगे। इन बिंदुओं का बिंदु एक से मिला देंगे, जिससे हमें रेखा 2 2 डैश प्राप्त हो जाएगी। इसकी लंबाई 1.6 डी होगी। अब हमें इस रिवेट का ऊपर का गोलाकार भाग बनाना है, तो इसके लिए हमें प्रकार की आवश्यकता होगी। प्रकार को बिंदु 3 पर रखेंगे, जो कि बिंदु 1 से लगभग 0.1 डी नीचे है। यहाँ रखकर प्रकार को बिंदु 2 तक खोल लेंगे और घुमा देंगे, जिससे हमें चाप या आर्क 2 2 डैश प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा स्नैप हेड रिवेट बनाने का सरलतम तरीका हो गया। ध्यान रखें, हमने स्नैप हेड रिवेट बनाने का जो 100% एक्यूरेट मेथड है वो काम में नहीं लिया है, क्योंकि जब भी हम रिवेटेड जॉइंट्स के व्यूज बनाते हैं हमें कई बार ये रिवेट्स बनानी पड़ती हैं। तो समय को देखते हुए हम इस अप्रॉक्सीमेट मेथड से ही स्नैप हेड रिवेट की रचना करेंगे। अब रिवेटेड जॉइंट्स के कुछ स्टैंडर्ड प्रपोर्शंस जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है डायमीटर डी और प्लेट की मोटाई टी में संबंध। तो इसका एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है, टी इज इक्वल टू 6√t, जहां टी प्लेट की मोटाई है और डी रिवेट का व्यास है। बहुधा प्रश्न में प्लेटों की मोटाई टी दी जाती है, जिससे हम काम में ली जाने वाले रिवेट्स का डायमीटर डी निकाल सकते हैं। विशेष बात जो इस सूत्र की है कि यहाँ जो प्लेटों की मोटाई है वो मिलीमीटर में ही रखनी है। दूसरा प्रपोर्शन जो हमें ध्यान में रखना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक की पंक्ति में स्थित दो निकट की रिवेट्स के बीच की दूरी को पिच कहा जाता है। इसे कैपिटल पी से दिखाया गया है और इसका माप 3D रखा जाता है, जहां D, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, रिवेट का व्यास है। इसके अलावा रिवेट्स की दो पंक्तियों के बीच की दूरी का भी स्टैंडर्ड नाप है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि आप चेन रिवेटिंग काम में ले रहे हैं तो दो पंक्तियों के बीच की दूरी 2D प्लस 6 मिलीमीटर रखी जाती है, और यदि हम जिगजैग टाइप का डिज़ाइन काम में ले रहे हैं तो दो पंक्तियों के बीच की दूरी, जिसे हम लंबवत दूरी भी कहते हैं, 2D रखी जाती है। इसके अलावा दो पंक्तियों के बीच विकर्ण दूरी भी रखी जाती है, इसे डायगोनल पिच PD कहा जाता है। इसे चित्र में दिखाया भी गया है।
तो ये कुछ स्टैंडर्ड नाप्स हैं, परिमाप हैं, इन्हीं को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और प्रश्न में हमें जो भी रिवेटेड जॉइंट दी गई है उसी अनुसार हम अपने जॉइंट्स के व्यूज बनाएंगे। एक और महत्वपूर्ण माप जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे वो है मार्जिन। आप देखिए चित्र में नीचे की ओर M लिखा गया है, M का माप 1.5D दिखाया गया है। मार्जिन का मतलब है हाशिया, यानी आपकी रिवेट की पंक्ति प्लेट के किनारे से न्यूनतम कितनी दूर होगी, उसे ही मार्जिन कहा जाता है। ये मार्जिन इसलिए रखा जाता है ताकि आपकी जो प्लेट है वो फट ना जाए, जिसे हम टीयरिंग भी कहते हैं। तो ध्यान रखिए पंक्ति किनारे से कम 1.5D अंदर की ओर होनी चाहिए। जब हमने बंट जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, बंट जॉइंट के अंदर प्लेटों के ऊपर एक या दो कवर प्लेट लगाई जाती हैं। यदि बंट जॉइंट में एक ही कवर प्लेट को काम में लिया गया है तो उसकी मोटाई मुख्य प्लेट की मोटाई से कुछ ज़्यादा रखी जाती है। सामान्यतः यह माप 1.25D रखा जाता है। यदि आपने बट जॉइंट में दो कवर प्लेट यानी डबल कवर प्लेट काम में ली हैं तो ऐसी अवस्था में आप कवर प्लेट की मोटाई मुख्य प्लेट की मोटाई से थोड़ा कम रख सकते हैं। तो इसके लिए हम लगभग 0.7 से लेकर 0.8 टाइम्स ऑफ टी का सूत्र काम में लेते हैं। तो जब हम बट जॉइंट की रचना करेंगे तो हमें कौन से प्रकार की कवर प्लेट्स काम में लेनी है, एकल या डबल, अकॉर्डिंगली हम उनकी मोटाई का चयन इन सूत्रों से कर लेंगे। अब हम पहले प्रकार के रिवेटेड जॉइंट्स की चर्चा कर लेते हैं। ध्यान रखना है जब भी हमें रिवेटेड जॉइंट्स की ड्राइंग खींचने के लिए कहा जाता है हम दो व्यू बनाते हैं। ऊपर वाला व्यू सेक्शनल फ्रंट व्यू कहलाता है जबकि नीचे वाला व्यू टॉप व्यू कहलाता है, क्योंकि ये दो व्यू बनाने से हमें रिवेटेड जॉइंट्स की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब रचना कैसे करनी है? यदि आपको प्लेटों की मोटाई टी दे रखी है तो सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूले से डी यानी रिवेट डायमीटर डी ज्ञात कर लें। डी ज्ञात हो गया, अब हम अपनी ड्राइंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शनल फ्रंट व्यू पर आते हैं। हमें प्लेटों की मोटाई टी प्रश्न में दे रखी है, क्योंकि ये लैप जॉइंट है तो हम सबसे पहले प्लेटें ही बना लेते हैं। तो आपको यहाँ पर टी मोटाई की दो प्लेटें खींचकर दिखाई गई हैं। इनके बाएं और दाएं का विस्तार निश्चित नहीं रहता। अब इन प्लेटों के बीच एक डी डायमीटर का सुराख करेंगे और उसके ऊपर और नीचे जैसे मैंने आपको पहले बताया स्नैप हेड ड्रॉ कर लेंगे। अब इस सेंटर लाइन से 1.5D का मार्जिन छोड़ते हुए इन प्लेटों के किनारे दिखा देंगे। इन्हें चित्र में दर्शाया भी गया है। अब चूंकि ये सेक्शनल व्यू है और हमारे पास दो प्लेटें हैं तो हमें हैचिंग लाइन से इन प्लेटों की सेक्शनिंग दिखानी है। सेक्शन लाइन सामान्यतः 45 डिग्री के कोण पे खींची जाती हैं, तो ये हमारा सेक्शनल फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे वाले व्यू यानी टॉप व्यू पर आते हैं। एक व्यू बनने के बाद दूसरा व्यू बनाने में कोई बड़ी समस्या नहीं आने वाली। आपको मालूम है एक ही पंक्ति में स्थित दो रिवेट्स के बीच का गैप 3D रखा जाता है, बाकी सभी डायमेंशंस ऊपर के सेक्शनल फ्रंट व्यू से नीचे प्रोजेक्ट कर लिए जाएंगे। एक खास बात आप इसके टॉप व्यू में देखिए, प्रत्येक सर्किल जो आपको कंटिन्यूस लाइन से सर्किल बना हुआ दिखाई दे रहा है ये स्नैप हेड का टॉप व्यू है,
लेकिन इसके बीच में डॉटेड लाइन से एक छोटा सर्किल भी दिखाई दे रहा है। ये छोटा सर्किल रिवेट का शैंक बताने के लिए है, क्योंकि ऊपर से देखेंगे तो ये हमें शैंक दिखाई नहीं देगा, तो इसे हम इनविजिबल लाइन यानी डॉटेड रेखाओं के रूप में शो करते हैं। और सबसे अंत में, जहां से आपने काट कर फ्रंट व्यू ड्रॉ किया है उस कटिंग प्लेन का नाम और देखने की दिशा अवश्य मार्क कर देंगे। इसे चित्र में प्लेन ए द्वारा दिखाया गया है। तो ये हमारा सिंगल रिवेटेड लैब जॉइंट के दोनों व्यूज हो गए। अब हम अगले प्रकार के लैब जॉइंट पर आते हैं। इसमें हम एक की बजाय दो यानी डबल पंक्तियां बनाएंगे, तो ये हमारा डबल रिवेटेड हो जाएगा। और पंक्तियां इस प्रकार से व्यवस्थित की गई हैं कि इनकी रिवेट्स जिगजैग पैटर्न के अंदर लगाई गई हैं, तो इसको खींचने का तरीका भी लगभग पिछले प्रश्न जैसा ही है। हमें इस बार एक की बजाय दो पंक्तियां बनानी हैं, तो इस प्रश्न को भी हम फ्रंट व्यू से स्टार्ट करेंगे। टी का माप हमें प्रश्न में दिया गया रहता है, तो हम टी मोटाई की दो प्लेटिंग खींच लेंगे और इनको ओवरलैप की अवस्था में दिखाएंगे, क्योंकि हमें लैब जॉइंट बनाना है। पंक्तियों का अपने निकटतम किनारे से गैप 1.5D रखना है और दो पंक्तियों के बीच की लंबवत दूरी लगभग 2D रखी जाएगी, क्योंकि ये जिगजैग टाइप का डिज़ाइन है तो पंक्तियों के बीच की लंबवत दूरी 2D रखनी है। टॉप व्यू में जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक ही पंक्ति की दो निकटतम रिवेट्स के बीच में गैप P बराबर 3D रखा जाता है। अब यहाँ पर दूसरी पंक्ति की एक रिवेट पहली पंक्ति की दो रिवेट के बीच में आएगी, इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है ताकि हमारा जिगजैग पैटर्न बन जाए। और सबसे अंत में कटिंग प्लेन को चित्र में दर्शाना ना भूलें और फ्रंट व्यू में दोनों प्लेटिंग की हैचिंग करना ना भूलें। अब परंपरा अनुसार हालांकि रिवेट्स भी कट गई हैं कटिंग प्लेन ए द्वारा, परंतु सामान्यतः हम लोग रिवेट्स पर हैचिंग नहीं दिखाते हैं। तो आप चित्र में देखिए, ऊपर की ओर जो आपको फ्रंट व्यू दिखाया गया है उसमें रिवेट पर हैचिंग नहीं की गई है, यद्यपि इस रिवेट को कटिंग प्लेन ए द्वारा सेक्शन किया गया था। तो ये हमारी कन्वेंशन है। अब हम बट जॉइंट की चर्चा करते हैं। बट जॉइंट में प्लेटें एक दूसरे से सटाकर रखी जाएंगी। अब चूंकि ये सिंगल रिवेटेड जॉइंट है, एक ही कवर प्लेट को उपयोग में लेना है, तो सबसे पहले कवर प्लेट की मोटाई निकाल लेंगे। कवर प्लेट की मोटाई 1.125 से लेकर 1.25T तक रखी जाती है, तो टी का माप हमें पता है तो कवर प्लेट की मोटाई ज्ञात कर लेंगे। कवर प्लेट को यहाँ पर हरे तीर से दिखाया गया है, जबकि जो मुख्य प्लेटें हैं बट जॉइंट की उन्हें ब्लू कलर के तीर से दिखाया गया है। इसके बाद फ्रंट व्यू में स्नैप हेड रिवेट्स बना लेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी स्नैप हेड रिवेट बनाने का तरीका बता दिया है। टॉप व्यू में दो रिवेट्स के बीच की दूरी 3D रखी जाएगी। मार्जिन जो है हमारा 1.5D रहेगा और दो पंक्तियों के बीच की दूरी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये हमारी मार्जिन से आ जाएंगी 1.5D प्लस 1.5D। तो इस प्रकार सभी परिमाप ज्ञात होने पर इन दोनों व्यूज़ को आसानी से खींचा जा सकता है। अब जब कटिंग प्लेन AA इस रिवेट जॉइंट में से पास होगा तो वह कवर प्लेट की भी सेक्शनिंग करेगा, तो कवर प्लेट पर भी हैचिंग लाइन दिखाना ना भूलें। ये हमारा बट जॉइंट है। इस जॉइंट में दो कवर प्लेट काम में ली गई हैं, C1 और C2, जिन्हें रेड कलर के
एरो द्वारा दिखाया गया है। प्रत्येक प्लेट पर दो पंक्तियां हैं, इसलिए डबल रिवेटेड है। दो कवर प्लेट काम में ली गई हैं, तो डबल कवर या डबल स्ट्रैप जॉइंट है। पंक्तियों में रिवेट्स का पैटर्न जिगजैग टाइप का है, तो ये हमारा डबल रिवेटेड डबल स्ट्रैप बट जॉइंट जिगजैग टाइप का डिज़ाइन हो गया। इसकी संरचना भी मैं समझता हूँ अधिक मुश्किल नहीं प्रतीत होगी। सबसे पहले हम सेक्शनल फ्रंट व्यू पे आते हैं और दोनों मुख्य प्लेटें जिनकी प्रत्येक की मोटाई 3 मिलीमीटर है खींच लेंगे। उसके बाद हमें रिवेट्स बनानी है। रिवेट्स बनाने का तरीका पहले से ही हमें ज्ञात है। मार्जिन हमें 1.5 ही लेना है। एक ही प्लेट पे स्थित दो पंक्तियों के बीच की दूरी 2D रखनी है और क्योंकि ये जिगजैग टाइप का डिज़ाइन है तो दो प्लेटों पे स्थित निकटतम दो पंक्तियों के बीच की दूरी जैसा चित्र में भी प्रदर्शित है ये हमारी 1.5D प्लस 1.5D यानी 3D हो जाएगी। और एक ही प्लेट पे स्थित दो पंक्तियों के बीच की दूरी जैसे मैंने आपको पहले फॉर्मूले में बताया ये बट जॉइंट है तो 2D रखनी है हमें। तो इसका आप अभ्यास कर लें। अब एग्ज़ाम के अंदर लगभग एक ही प्रकार के प्रश्न आते हैं। जनरली आपको रिवेट का डायमीटर डी दिया हुआ रहेगा, रिवेटेड जॉइंट का नाम आपको प्रश्न में दिया होगा जैसे सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट है या डबल कवर प्लेट सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट है और आपको इनके सेक्शनल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जैसे हमने अभी देखे थे वो खींचने होंगे। तो आप कम से कम दो प्रश्नों का अभ्यास कर लेवें। तो ये हमारा रिवेट्स एंड रिवेटेड जॉइंट्स पर ई वीडियो लेक्चर समाप्त हो गया। यदि आपका कोई भी प्रश्न है कोई भी फीडबैक है तो आपका स्वागत है। धन्यवाद।